टॉपिक है आपका के बिक्री वाहन इसमें हम लोग कोई सोच चुके थे तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है हुआ है प्रगतिवादी। आइए पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा का ये तीसरा व्यवस्था है, तीसरा विशेषता है, विशेषता है कि यह प्रगतिवादी होता है, यह प्रगतिवादी होता है। पर प्रकृतिवादी शिक्षा को गत्यात्मक प्राणी बालक को मानती है। प्रकृतिवादी शिक्षा की जो तीसरी विशेषता है वह बालक को जो है वह गत्यात्मक प्राणी मानती है कि बालक के लिए ही शिक्षा नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है, बालक अपने अनुसार चाहे तो प्रकृति से शिक्षा ले सकती है, इसीलिए इसे गत्यात्मक कहा गया है जिसका विकास निरंतर होते रहता है। जितना बालक प्रकृति में रहेगा धीरे 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 करके उसका विकास होते रहेगा, प्रकृति से वह शिक्षित होते रहेगा और आगे उसके शिक्षे का ज्ञान का भंडार बढ़ता रहेगा। और इस विकास को जो है वह चार भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है, या कह सकते हैं इसकी चार विभिन्न स्थितियां हैं। वो स्थितियां हैं, सबसे पहला शुरू होता है शैशव काल से, दूसरा किशोरावस्था की स्थितियां होती है, चौथा प्रौढ़ावस्था की स्थितियां होती है। तो इस ढंग से इसको चार भागों में विभाजित किया गया है प्रगतिवादी, जिस काल में वही बालक है उस काल के अनुसार वह प्रकृति से शिक्षा ग्रहण कर लेगा। तो इसको लिख देते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की तीसरी विशेषता इसका प्रगतिवादी होता है। ये दो विशेषता पहले पढ़ चुके थे, यह तीसरी विशेषता है कि जिसके अंतर इसको प्रगतिवादी बना जाता है। प्रगतिवादी शिक्षा बालक को गत्यात्मक प्राणी मानती है, प्रगतिवादी शिक्षा बालक को गत्यात्मक प्राणी मानती है। गत्यात्मक प्राणी मानती है मतलब शिक्षा जो है अपने काल के अनुसार बालक खुद ब खुद प्रकृति से ग्रहण करते रहेगा। प्रकृतिवादी शिक्षा निरंतर विकासशील होता है। प्रकृतिवादी शिक्षा निरंतर निरंतर विकासशील होता है, मतलब वो जैसे समय के अनुसार है इसका विकास होते रहता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकृति से वह सीखते रहेगा। और इस विकास की चार चार भिन्न स्थितियां है, इस विकास की चार भिन्न भिन्न चार चार भिन्न भिन्न स्थितियां है। पहला स्थिति है शैशव का, दूसरा है बाल्य का, तीसरा है किशोरावस्था और
चौथा है प्रौढ़ावस्था। इस चार अवस्था में प्रगतिवादी शिक्षा को माना गया है। प्रगतिवादी के अंतर्गत वह चार जैसे जैसे प्रगति करेगा, शैशव काल से बाल काल में आएगा, बाल काल से किशोरावस्था में, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में, वैसे वैसे प्रकृति से वह शिक्षित होते रहेगा। प्रकृतिवादी ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शिक्षा की अवस्था जो है इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि जो भी शिक्षा की अवस्था है उसको किस अनुसार से हमें शिक्षा देना है प्रकृति से, वह उस अवस्था को अवश्य ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए जो प्रकृतिवादी के सबसे बड़े कट्टर समर्थक हैं वो रूसो ने कहा है कि इसके बारे में रूसो ने कहा है कि प्रकृति चाहती है कि बालक मनुष्य बनने से प्रकृति चाहती है कि बालक मनुष्य बनने से मनुष्य बनने से पहले बालक ही रहे। मनुष्य बनने से पहले बालक ही रहे। यदि हम इस क्रम को बदलेंगे तो ऐसा कुल उत्पन्न होगा, ऐसा फल उत्पन्न होगा जिसमें पकावट तथा गंध नहीं रहेगी। दूसरों यहां ये कह रहे हैं कि बालक को जो बाल्यावस्था है उसके अनुसार शिक्षा दे, उसे बाल्यावस्था जीने का भरपूर मौका दे। यदि हम उसे बाल्यावस्था जीने का मौका नहीं दे करके बालक से सीधे चाहेंगे कि वह मनुष्य बन जाए, मनुष्य की तरह व्यवहार करे, एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करेंगे, तो वह एक फल तो बनेगा लेकिन ऐसा फल बनेगा जो किसी काम का नहीं होगा, वह गंधहीन होगा, वह पक नहीं सकता है। मतलब वह मनुष्य जो है अपने जीवन में कभी आगे बढ़ेगा नहीं, आयु के अनुसार वह उसकी मानसिक बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो ये था प्रकृतिवादी शिक्षा के ज्ञान मीमांसा का तीसरा पॉइंट प्रकृतिवादी। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट। इसका अगला जो पॉइंट है वह है निषेधात्मक शिक्षा। देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा का ज्ञान मीमांसा का चौथा गुण जो है वह निषेधात्मक शिक्षा का दया है। प्रकृतिवादी के चौथा गुण उसे भागवत शिक्षा, ये चौथा गुण हो गया, ये निषेधात्मक शिक्षा है। और निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है कि इस शिक्षा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के निकम्मेपन का कोई स्थान नहीं होना। जो भी कार्य करना है, प्रकृति से सीखना है, तो प्रकृति के जाल में जाकर के बालक स्वयं सीखे, ये नहीं कि उसको टाल दें, आज नहीं करेंगे
कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, निकम्मापन बिल्कुल नहीं करना है। जिस भी वह काल में है, जिस भी आयु की अवस्था में है, शैशव काल हो, बाल्यक अवस्था हो, किशोरावस्था हो, क्रोधावस्था हो, जिस भी अवस्था में है, जो उसकी अवस्था प्रकृति से सीखने के लिए है, वो प्रकृति में जाए और वैसी शिक्षा वह ग्रहण करे। निकम्मेपन का बिल्कुल भी इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो निकम्मात्मक शिक्षा का आत्मक शिक्षा का अर्थ है कि निकम्मेपन कोई स्थान, निकम्मेपन के लिए कोई स्थान नहीं। यह गुण की शिक्षा नहीं, मतलब ये जो निषेधात्मक शिक्षा है वह गुण की शिक्षा नहीं है, लेकिन यह अब गुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती है और यह किसी भी प्रकार की गलती से बचाती है और यह बालक को उस ओर ले जाती है जो बालक के बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये शिक्षा जो निषेधात्मक शिक्षा है, बालक को किसी भी प्रकार का अगर अब्बुल आता है तो वह प्रकृति से सीखी हुई शिक्षा से वह अब्बुल से बच जाएगा, अब्बुल वह नहीं करेगा, वह गलती किसी प्रकार की नहीं करेगा। भले ही उसे सत्य का ज्ञान नहीं हो लेकिन वह गलती नहीं करेगा। और बालक जब बड़ा हो जाएगा, जब उसमें ये अब्बुल से बचने की, गलती से बचने की उसमें शिक्षा आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, तो बालक जो है अपने आप सत्य की ओर चला जाएगा। देखते हैं, यह गुण की शिक्षा नहीं है, यह गुण की शिक्षा नहीं है, बल्कि अब गुण से बचाती है। यह सत्य की शिक्षा नहीं है, यह सत्य की शिक्षा नहीं है, लेकिन जल्दी करने से सत्य की शिक्षा नहीं है लेकिन गलती करने से बचाती है। यह बालक को दूर ले जाती है, यह बालक को फुसूर ले जाती है। जो बालक के बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाती है, ले जाएगी। बालक के बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाती है। यह है निषेधात्मक क्या, और सत्य की ओर ले जाने का मार्ग बालक को उस अच्छाई, बालक को उस अच्छाई से, अच्छाई में अच्छाई से नहीं होगा, अच्छाई के पहचानने की, अच्छाई के पहचानने की योग्यता को विकसित करेगा, योग्यता को विकसित करेगा। तो ये था, ये है निषेधात्मक शिक्षा। ये चौथा गुण है, इस शिक्षा में निकम्मेपन का कोई स्थान नहीं है।
ये गुरु की शिक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ऐसी शिक्षा है जो कि हमें या बालक को प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार से बताती है। यह सत्य की शिक्षा भी नहीं है, लेकिन यह गलती करने से बचाती है। यह बालक को उस ओर ले जाती है जो बालक को बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगी। जब वह अंगुल से बचेगा, किसी प्रकार के उसमें निकम्मे पर नहीं आएगी, तो वह अपने आप बड़ा होने पर सत्य की ओर जाएगा, और सत्य की ओर ले जाने का मार्ग बालक को उस अच्छाई के पर चलने की अपने आप उसमें योग्यता को विकसित करना प्रारंभ कर देगा। तो ये था निषेधात्मक शिक्षा, ये प्रकृतिवादी शिक्षा के ज्ञान मीमांसा का चौथा पॉइंट। अब जो है हम इसके सारे अगले पॉइंट की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।